आज हमारा तीसरा व्लॉग है और हम जा रहे हैं समयपुर बादली और हमारे साथ ये जा रहा छक्का। ये छक्का भाई हमारा हमारी शुरुआत हुई है ई रिक्शा से। पहले हम जाएंगे ऐसा मेट्रो स्टेशन से हम मेट्रो पकड़ेंगे राजीव चौक से समयपुर बादली के लिए। चलो फिर आगे हम आपको दिखाते रहेंगे, बाकी आप इस छक्के को एंजॉय करते रहो। छक्का नहीं है तू, दिखा सामान, दिखा। पहले हम पहुंच चुके हैं समयपुर बादली। अब हमारे को यहाँ से रिक्शे में जाना पड़ेगा फिर दोबारा अपनी फैक्ट्री के लिए समयपुर बादली। पूरा बस्ती एरिया लेकिन ये वाला सारे लौंडे बैट बॉल खेलते हैं, इनको देख के अपनी पुरानी चीज़ें आ जाती हैं। हम भी अपने दोस्तों के साथ खेलते थे कई बार बैट बॉल। रोज सुबह सुबह फ़ोन आया था भाई चलने बैट बॉल खेलने, टाइम भी बहुत ही अलग था यार। तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए हैं। कोई अपना काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कहीं क्या कुछ कर रहा है। बस और ज़िंदगी ऐसी रह गई अब तो, बस काम, काम से घर, घर से काम। बस स्टील फैक्ट्री होती है सी, छोटा कैमरा टेस्ट कर रहे हैं। हमारे को चुल मच गई, हम मेट्रो से आ गए लेकिन हमारा मन कर रहा है लोकल से जाने का, तो हम आ गए लोकल से जाने के लिए समयपुर बादली वाले रेलवे स्टेशन पे। ये देखो छक्का, ये रहा हमारा छक्का आने वाली है बस हमारी ट्रेन भी। अब इसके बाद हम जाएंगे, आज पहली बार लोकल में सफ़र करेंगे, पता नहीं कैसा होता है लेकिन बोला गया बहुत सड़ी के तू पहले बोल ले। चलते चलते हम पहुंच गए सब्जी मंडी में रेलवे स्टेशन। ये देखो ये हमारा लौंडा बैठा हुआ दूसरा, ये हमारी लौंडिया यहाँ पर, ये रही हमारी लौंडिया, ये रही ये लौंडिया बैठा हूँ लौंडिया दिखाऊं। और यहाँ पर हमको कम से कम 10 मिनट तो हो गए बैठे बैठे, देखते कब की देर में चलेंगे। ये अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं कोई पता नहीं कब चलेगी अब यहाँ से ट्रेन। एक्सपीरियंस ठीक है, पहली बार लोकल में बैठा हूँ मैं भी, ये खड़ी में बैठे को खेल रहा मेरे साथ अभी से। Amazing.